अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू लेक्चर है हेसियन मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के हवाले से। तो आज हम कम्प्लीटली हेसियन के हवाले से पढ़ेंगे कि एशियन में कितने स्टेट है, कितने इसके मेंबरिंग स्टेट हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इसका फॉर्मेशन क्या था। और ये एक जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी 10 ममालिक स्टेट के दरमियान एक ग्रुप बना, फ्री ट्रेड ब्लॉक एक ग्रुप बना, इसका मेन मकसद क्या था। तो चले स्टार्ट करते हैं। एशियन मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फर्स्ट टाइम ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, उस टाइम हेड ऑफ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन पर साइन किया, जिसको नाम दिया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के तहत इन पाँच स्टेट के जो हेड थे, उन्होंने उस टाइम एक डिक्लेरेशन पर साइन किया, उसको नाम दिया एशियन मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो बैंकॉक का डिक्लेरेशन था, फर्स्ट टाइम ये साइन किया गया 8 अगस्त 1976 में। 1966 में ये थाईलैंड के जो कैपिटल बैंकॉक में इसको साइन किया गया, इन लीडर ने दरमियान में साइन किया, इसको नाम दिया गया एशियन। एशियन जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था CPTPP, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उसमें पढ़ा था कंप्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें पैसिफिक पर जितने भी स्टेट ममालिक उनके दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड ब्लॉक का, जिसको हमने नाम दिया CPTPP मींस कंप्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसी तरह एशियन भी इस तरह है कि ये एशिया के साउथ ईस्ट नेशन के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड के हवाले से, जिसको नाम दिया गया एशियन। एशियन में 10 स्टेट है जिनका नाम है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लोस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इन 10 स्टेट के दरमियान ये एक ग्रुप बना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी मेंबर स्टेट के दरमियान इकोनॉमिक को बढ़ाना, यानी इकोनॉमी महशत को बढ़ाना। सेकंड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, सोशल प्रोग्रेस, यानी माशरती हवाले से तरक्की करना मेंबर स्टेट के दरमियान। थर्ड जो था एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी इन 10 स्टेट के दरमियान कल्चर को डेवलप करना। और सेकंड जो इसके पर्शन में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें ये है कि टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि एशियन स्टेट मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के दरमियान ये एक रीजनल पीस को, स्टेबिलिटी को प्रमोट करे और पीस के हवाले से, इंटरनेशनल पीस के हवाले से काम करें। अगर हम देखें एशियन के 3 मेन पिलर होते हैं, एशियन मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 3 मेन पिलर होते हैं। फर्स्ट जो पिलर है वो है पोलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मींस सियासी और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन करना एक दूसरे के साथ। सेकंड जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी मशिया हवाले से एक दूसरे के साथ ताउन करना। थर्ड जो है वो कल्चर कोऑपरेशन, यानी इन 10 स्टेट के दरमियान एक दूसरे के साथ कल्चर के हवाले से, सकाफत के हवाले से ताउन करना। और एशियन स्टेट का जो मोटू भी ये है कि वन नेशन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, यानी मींस इन 10 स्टेट के एक ही विजन होना चाहिए, एक ही शनाख्त होनी चाहिए, एक ही कम्युनिटी होना चाहिए। इसका फर्स्ट टाइम जो इस एशियन मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो हेडक्वार्टर रखा गया वो जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल में रखा गया। इस वक्त एशियन के जो मेन फाउंडर स्टेट है वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। ये स्टेट ज़्यादातर इस एशियन स्टेट को, इस एशियन नेशन को चलाते हैं। हर साल एशियन की जो मेंबर स्टेट होते हैं, इनका एक मीटिंग्स होती है जो इन 3 चीज़ों पर ये काम करते हैं। फर्स्ट जो मैंने डिस्क्राइब किया वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से, सेकंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से, फिफ्थ जो है, थर्ड जो है वो कल्चर कोऑपरेशन के हवाले से। तो आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, एशियन जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के थे, इनके हवाले से कि एक ट्रेड एग्रीमेंट था और साथ साथ ये एक दूसरे इश्यूज़ पर भी बात करते थे आपस में, कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी 10 स्टेट के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था, इनके दरमियान इन इश्यूज़ पर बात करना, स्टेबिलिटी पर बात करना, पीस पर बात करना, साथ साथ सोशल
اور اکنامک کلچر کے حوالے سے بات کرنا ان ریجن میں, تو اس کو نام دیا گیا ایسین. ایسین کو یہ 1976 میں بنی تھی اور ابھی تک یہ فنکشن میں ہے, اور اس کا یہ کام آگے یہ بڑھا رہا ہے, اس کا جو ہیمز آبجیکٹیوز ہے اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. تو لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے, ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, والسلام.